सलाम आदाब नमस्कार, मैं हम्माद राशिद और मेरे हाथ में माइक है नई उड़ान का। तो आप लोगों का स्वागत है नई उड़ान में। आज हमारे साथ बैठे हुए निसार सिद्दीकी, जामिया के पीएचडी स्कॉलर है, बिना जेआरएफ क्वालिफाई ये जामिया से पीएचडी कर रहे हैं। तो हम लोग आज जानेंगे इनसे कि जामिया में बिना जेआरएफ के हम पीएचडी कैसे कर सकते हैं उनसे रिलेटेड। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है नई उड़ान में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप ये हमें बताइए कि जेआरएफ के बिना जामिया में पीएचडी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं? देखिए, जामिया बहुत ही इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को। जैसे आपके पास जेआरएफ नहीं है, आपके पास नेट नहीं है, तो आप एक बिहाफ ऐसा है जिसके बिहाफ पे आप एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं रिटेन टेस्ट से, वो है एमफिल डिग्री। अगर आपके पास एमफिल डिग्री है तो जामिया कहता है कि आपको रिटेन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप इंटरव्यू में बैठेंगे। और इंटरव्यू में बैठने के लिए आपके पास एक सिनॉप्सिस होना चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए जिस पे आप एक सिनॉप्सिस बनाएंगे, एक आप जो है पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाएं कि जो है आप क्या स्टडी करने जा रहे हैं, किस चीज़ के बारे में आप रिसर्च करने जा रहे हैं। तो ये एक बेटर प्लेटफॉर्म जामिया प्रोवाइड कराता है। इस देश में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो ये एमफिल के बिहाव पर एग्जामिशन देती हैं रिटेन टेस्ट से। अच्छा, इसके लिए कोई फॉर्म वॉर्म फिल करना पड़ता है? एमफिल डिग्री होती है मास्टर्स के बाद, और उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ फिलोसफी। तो एमफिल पहले क्या था कि पहले इससे पहले कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड हुआ करता था, जामिया में भी यही रूल था। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर एमफिल को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो अब एमफिल की वैलिडेशन नहीं रहेगी, एमफिल जो है मतलब कि अब तो जो है एमफिल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको रिटेन टेस्ट से बचने के लिए नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना कंपलसरी हो जाएगा। बिना जेआरएफ के अभी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी वो 2024 के बाद इम्प्लीमेंट होगा देश में, ऐसा है? नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इसी साल से, इसी सत्र से लागू कर दिया गया है। आप बिना जेआरएफ जामिया में पीएचडी हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जैसे कि आपको मैंने बताया ना, ये प्रोसीजर होता है एक कि आप अगर आपके पास नेट नहीं है, आपके पास जेआरएफ नहीं है, तो आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कीजिए। रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो आप जो है नेट इक्विवेलेंट हो गए, मतलब एग्जामिनेशन इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से। और उसके बाद फिर आप जो है सिनॉप्सिस बनाइए और किसी अच्छे प्रोफेसर से उसका जो है मतलब कि उसको बनाने में उसकी हेल्प लीजिए, उनसे पूछिए कि जो है मतलब कि क्या क्या चीज़ें इसमें और रिक्वायरमेंट है, मेथोडोलॉजी का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उस टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए आपको बेहतर, क्योंकि आप जो स्टडी करने जा रहे हैं उसके बारे में एटलीस्ट आपको जानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो कंपलसरी मतलब मस्ट मानी जाती है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का ज्ञान, नॉलेज। अगर आपको आरएन की अच्छी समझ है, आप उसको अच्छा जानते हैं, तो फिर आपको ना तो रिटन टेस्ट में तकलीफ होगी, कोई दिक्कत आएगी, और ना ही इंटरव्यू पैनल के अंदर, क्योंकि मेथोडोलॉजी जिसको अच्छे से क्लियर पता है कि हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करके रिसर्च करनी है और रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है, डेटा कलेक्शन का टूल क्या है, टेक्निक क्या है, डेटा एनालिसिस का टेक्निक क्या है, टूल क्या है उसके बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई आराम से करेंगे। उसके बाद आप जो है इंटरव्यू में जो इंटरव्यू पैनल बैठता है उसके ऊपर, क्योंकि वो लोग ये देखते हैं कि इस बंदे के पास कितना नॉलेज है और ये क्या कर पाएगा। और एक चीज़ और होती है कि वो ये भी जज करते हैं कि इसने क्या टूल्स और टेक्निक इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि यही चीज़ें बताती हैं कि आप रिसर्च को किस डायरेक्शन मिले जाएंगे और उसको अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसकी मेथोडोलॉजी खराब है वो रिसर्च क्या करेगा। सर, जो ये रिटन टेस्ट होता है उसके लिए कोई डेट निकलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जब हम फॉर्म फिल करें और ये हमारा रिटन टेस्ट होगा, वैसा जैसे सभी एंट्रेंस के लिए होता है क्या ऐसे? जामिया एक चीज़ और बेहतर करती है और यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले, एक चीज़ और बेहतर मतलब उसके जामिया के पास एक और चीज़ बहुत बेहतर है, वो ये है कि जामिया आपको एक साथ चार डिपार्टमेंट के अंदर जाने की परमिशन देता है। जैसे अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट किया, तो मिसाल के तौर पर आप जो है हिंदी मीडिया के आप स्टूडेंट हैं मान लीजिए, आपके पास जो है जामिया चार ऐसे और सब्जेक्ट बताएगा जिसके अंदर आप अप्लीकेबल हो सकते हैं। जैसे आपका मेन सब्जेक्ट हो गया मास कम्युनिकेशन, तो यानी कि आप रिटेन टेस्ट मास कम्युनिकेशन में देंगे और सिर्फ आपको रिटेन टेस्ट मास कम्युनिकेशन का ही निकालना होगा। उसके बाद वहाँ पर फॉर्म फिलअप करते समय चार प्रेफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए पहले मेन सब्जेक्ट में आपने डाल दिया मास कम्युनिकेशन, सेकेंड में आपने डाल दिया कल्चर फॉर मीडिया एंड गवर्नेंस, थर्ड में आपने डाल दिया कंपैरेटिव स्टडीज या डेवलपमेंट स्टडीज, या फिर जो है पॉलिटिकल साइंस डाल दिया आपने, फोर्थ में आपने डाल दिया जेंडर स्टडीज डाल दिया, या फिर जो है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज डाल दिया, या फिर आपने जो है सोशल वर्क डाल दिया। तो मतलब जैसे कि आपके पास चार डिपार्टमेंट जामिया प्रोवाइड कराएगा आपको एक रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने पर, यानी कि आप चार डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दे सकते हैं
पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो आपको पसंद आता हो। ऐसी फैसिलिटी मुझे मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसी और किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, लेकिन जामिया ये चीज़ आपको देती है। सर ये जो रिटन टेस्ट होता है उसको हम क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके लिए हमारा इंटरव्यू कॉल जो आता है उसके लिए एक लिस्ट आता है, तो यानी वो चारों लिस्ट में हमारा नाम आएगा जो प्रेफरेंस दिए रहेंगे। हाँ, अगर आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो आपका अब उन चारों डिपार्टमेंट के अंदर नाम आएगा और आपको एक डेट मिलेगी जिस डेट के अंदर जाके आपको अपना सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है, क्योंकि उसी सिनॉप्सिस के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। तो किसी डिपार्टमेंट में मान लीजिए कि पैनल 10 का बैठा हुआ है, किसी सेंटर है मान लीजिए वहाँ पर जो है 6 लोग बैठे हुए हैं, तो वो 10 कॉपीज आपके सिनॉप्सिस का सबमिट करवाते हैं, है ना। तो वो आप जाके जो है जो डेट दी गई रहेगी उस डेट के अंदर आपको जाके या उस डेट के जब तक यूनिवर्सिटी ओपन है उस डेट में आप क्या प्रेफरेंस डाले थे? मेरा प्रेफरेंस था मास कम्युनिकेशन, मेरा प्रेफरेंस था वेस्ट एशियन स्टडीज, मेरा प्रेफरेंस था जेंडर स्टडीज जो मेरा मतलब कि जिसमें मुझे स्टडी करने में अच्छा लगता है, और मेरा फोर्थ था सेंटर फॉर कल्चर मीडिया एंड गवर्नेंस। जामिया के इंटरव्यू कॉल जो हुआ था, इंटरव्यू लिस्ट में आपका नाम आया था कि आप इन चारों सेंटरों में जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं, तो उस इंटरव्यू में आपसे किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था? क्या वो एंट्रेंस से रिलेटेड था या जो भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर से रिलेटेड या आपके हॉबीज से रिलेटेड जैसा यूपीएससी मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है उससे संबंधित था या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया था? देखिए सवाल तो मेनली जो डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर क्या पूछना चाहता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं मैं बता रहा हूँ कि आपके टॉपिक से रिलेटेड कि आप ये स्टडी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा एक वैलिड रीजन के साथ कि ये स्टडी क्यों मस्ट है, क्यों इसे की जानी चाहिए, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों ज़रूरत है इसकी सोसाइटी के लिए। दूसरी चीज़ कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप इस स्टडी को क्यों करना चाहते हैं और कहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तीसरी बात कि इस स्टडी को जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो मेथोडोलॉजी पक्के पार्ट से आता है कि इसके लिए क्या क्या मेथोडोलॉजी है, क्या सैंपल टेक्निक है, क्या सैंपल साइज है, क्या क्या जो है आप इनमें किन किन लोगों को आपने इंक्लूड कर रखा है, कौन सा एज ग्रुप है, एरिया कौन सा है, है ना, और उसमें सैंपलिंग में भी कौन सी सैंपलिंग होगी, क्लस्टर होगी, रैंडम होगी, क्या होगी, मतलब सारी चीज़ें उसमें जो आपकी क्लियरली डिफाइन करनी होती है। और उसमें मेन चीज़ ये होता है कि आप कैसे जो है डेटा कलेक्शन करेंगे और एनालाइज कैसे करेंगे, ये दो चीज़ें हैं। और स्टडी के बारे में एक दो तीन चीज़ें और होती हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और एक आपको टेंटेटिव स्टेटमेंट देना होता है जैसे हाइपोथेसिस एक होता है कि आप हाइपोथेसिस आप क्या मान के चल रहे हैं स्टडी के लिए, कि मान लीजिए कि मेरा ये मानना था मेरे अपने स्टडी में कि मीडिया में वुमेन को एज अ वीकर सेक्शन पोर्ट्रेट किया जाता है, मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ अभी अपने हाइपोथेसिस को, तो मैंने इसके लिए वैलिड रीजन दिया था कि जब मैं मीडिया में काम कर रहा था, मिनिस्ट्री मीडिया में जब मैं जॉब करता था तो मैंने देखा वहाँ पर कि वुमेन को जो है बहुत तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है, जब लड़की है तो चलो भाई इसको इंटरटेनमेंट सेक्शन के लिए भेज दो, ये पॉलिटिकल के लिए क्राइम के लिए नहीं बनी है। आप मुझे बताइए अभी तक पता चाहिए क्राइम की कोई महिला है कभी आज तक जिसने क्राइम के शो को जो है वो प्रेजेंट करती हो, चैन से सोना जाते हो, है ना, ये इस तरह के डायलॉग कभी बोल सकती, वुमेन को वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि वो इस तरह से बोलेगी, तो क्राइम का शो आज तक कोई वुमेन को मैंने करते हुए नहीं देखा अभी तक, होंगी तो एक दो होंगी। दूसरी चीज़ कि उनके नंबर्स ऑफ वुमेन कितने महिलाएं मीडिया में काम करती हैं उसके, तो मैंने इन चीज़ों को वहाँ पे डाला था, तो उससे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने इन सारी चीज़ों को हाइपोथेसिस के अंदर, इन सारी चीज़ों को मैंने डाला था ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इन योर क्वेश्चंस कि क्या क्या चीज़ें मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, मेरे इस स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं इसके। तो अच्छा उन उद्देश्य जो आप ऑब्जेक्टिव डालेंगे उसके ऊपर आपके क्या वैलिड आर्गूमेंट्स हैं वो उसी हिसाब से तय करेंगे कि आप मतलब कि आपका स्टडी सही आएगी कि नहीं जाएगी, आपका आर्गूमेंट सही है कि नहीं सही है। तो अगर आपका आर्गूमेंट सही हो गया, आपके हाइपोथेसिस को आपने जस्टिफाई कर दिया, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को जस्टिफाई कर दिया, उसको वैलिड पॉइंट्स बता दिया, आपने मेथोडोलॉजी को अच्छे से डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उनको, क्योंकि उनको ये सारी चीज़, क्योंकि देखिए जो प्रोफेसर है वो एक गुड रिसर्चर होते हैं कि वो भी इसी प्रोसेस से गुजरे होते हैं, उनको सारी चीज़ें पता होती हैं। इसमें जो इंटरव्यू कॉल हुआ था उसमें कितने लोग आप जब इंटरव्यू देने गए थे तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ था या कम लोग थे? जामिया जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे नहीं लगता है कि भीड़ कम होगी, और मैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे इंटरव्यू के टाइम पे 130 लोग आए थे, 130 लोग आए थे जिनमें से दो लोगों का सिलेक्शन हुआ पीएचडी के लिए, उसमें एक मैं था, अल्लाह का शुक्र से।
मतलब इतना भीड़ होता है उसमें से दो तीन लोग का सिलेक्शन होता है, फॉर्म भी मतलब इंटरव्यू लिस्ट बनने से पहले फॉर्म भी बहुत ज्यादा आते होंगे, रिटन के लिए बहुत ज्यादा फॉर्म आते हैं, उसके बाद जो है जो क्वालिफाई करते हैं वो लोग भी जो है आते हैं इंटरव्यू देते हैं, है ना, क्योंकि सबको एटलीस्ट जो सीरियस होगा एकेडमिक के लिए वो तो इंटरव्यू देने आएगा, उसका उसका ऑलरेडी काम होता है। तो मैं तो कह रहा हूँ आपसे ना कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि जो है मतलब कि दो लोगों में मेरा सिलेक्शन था। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि वो इन प्रोसेस हो के जामिया में आए पीएचडी करे, उनके लिए आपका दो शब्दों में यानी कम से कम शब्दों में क्या संदेश होगा, उन्हें क्या करना चाहिए? अगर आपके पास नेट है तो सिनॉप्सिस बेटर बनाइए, किसी प्रोफेसर से उसको टेस्ट कराइए, चेक कराइए कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और तीन चार चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि स्टडी क्यों करनी है, क्या ज़रूरत है इसकी, इसको बड़े डॉक्यूमेंट का जो है रखिए। दूसरी चीज़ क्या आपकी हाइपोथेसिस को क्या है, हर एक हाइपोथेसिस जो आपने आप लिख कर दिए कि चार पाँच हाइपोथेसिस सब लोग देते हैं, तो चार पाँच हाइपोथेसिस के वैलिड पॉइंट्स क्या क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि नहीं सोसाइटी में ये चीज़ होती है, हम इसको जो है मतलब टेस्ट करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ कि आपके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए कि आपकी इस स्टडी का आउटकम क्या निकलेगा, आप क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं इस स्टडी से। भाई कोरोना की अगर कोई अगर स्टडी कर रहा है तो वैक्सीन बनाना चाहता है तो वो टेस्ट करेगा ना, वो ये मान चलेगा कि मेरा ये जो है जो मैं वैक्सीन बना रहा हूँ ये लोगों पर असर करेगा, फिर उसको वो टेस्ट भी तो करेगा। तो ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वैक्सीन बनाने के, इसको आप टेस्ट करेंगे कि सही है कि नहीं सही है, अगर गड़बड़ होगा तो फिर से आप सही करेंगे, है ना। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल भी वैलिड फैक्ट्स साथ जो है वैलिड तथ्यों के साथ आपके पास होने चाहिए। और लास्ट चीज जो मेथोडोलॉजी का पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कि आप कब कब क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से टूल और टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और जिसका क्लियर है उसका एडमिशन कोई रोक नहीं सकता, मेरा गारंटी है। यानी आपके अनुसार जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं जामिया से तो उनको सबसे पहले अपना हाइपोथेसिस क्लियर करना चाहिए, उसमें क्या करना है नहीं करना जो भी है उस सारे ऑब्जेक्टिव्स को, और दूसरी बात जो लोग जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं उनको गवर्नमेंट से अच्छा खासा फेलोशिप मिल जाता है। तो जामिया से आप पीएचडी करने जा रहे हैं बिना जेआरएफ के करने जा रहे हैं तो वैसे समय में आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो क्या जामिया कितने पैसे आपको स्कॉलरशिप के रूप में? बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, एक तो जो है आपको मंथली मिलती है नॉन फेलोशिप 8,000 पर मंथ मिलती है आपको, उससे आपका जो है काम निकल सकता है। दूसरी ICSSR जो है वो देती है फंड फेलोशिप देती है, इसके अलावा कई सारे ऐसे इंडिपेंडेंट संगठन हैं, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के भी जो आपको फंड देते हैं। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन के हैं तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर टेक्निकल एजुकेशन का मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आते हैं, साइंस बैकग्राउंड के आते हैं, तो आपको प्राइम मिनिस्टर का एक फेलोशिप आता है वो मिलता है आपको। तो बहुत सारी फेलोशिप हैं जो आपको मिल सकती हैं जेआरएफ के अलावा। सर अभी पीएचडी कर रहे हैं आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, मतलब कि लाइब्रेरी की जरूरत है, इतने दिनों से कैंपस बंद है, तो ऐसे में चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो समय है पीएचडी सबमिट करने का वो तो कुछ आगे पीछे होने का है नहीं क्योंकि सेशन चल रहा है, तो क्या मतलब कैसे हैंडल कर रहे हैं? पीएचडी का सबमिशन जैसे ये होता है कि आपको अगर टाइम मिल सकता है, अगर आपके पास वैलिड रीजन है तो आप टाइम ले सकते हैं यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी दे भी देती है। अभी कोविड की वजह से अगर मैं कह दूं, हाँ एक चीज़ उसका ये भी होता है कि जामिया अपने स्कॉलर्स को अपनी आईडी प्रोवाइड कराती है, तो लाइब्रेरी के एक्सेस के लिए या फिर जितने दूसरे पब्लिकेशन हाउसेस के जर्नल्स हैं जो जिन स्टडी मटेरियल्स की आपको जरूरत पड़ती है वो चीज़ें आपको ऑनलाइन एक्सेस हो सकती हैं। दूसरी चीज़ कि पैंडेमिक का टाइम है, टफ समय सबके लिए है, मुश्किल सबके लिए है, तो आप जो है मतलब कि ऐसा करिए डिपार्टमेंट्स में जो है विजिट कीजिए, वहाँ के डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी लाइब्रेरी भी है, हमारे यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी है डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी, उसके अलावा हमारे पास अपने डिपार्टमेंट्स के लेवल की लाइब्रेरी है, तो अपनी लाइब्रेरी में जाइए जो है किताबें इशू कराइए ला के पढ़िए और वर्क कीजिए।